गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जतिन बंसल है बेटा। मैं विटामिन्स दा बेटा सेकंड पार्ट लेके आया अज बेटा थोड़े लिए। तो पहला फर्स्ट पार्ट बेटा आप डिस्कस कर चुके हैं, जेड़ा तुसी चैनल दे विच प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। विटामिन्स दा फर्स्ट पार्ट जिदे च आप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए सी बेटा, तो ये मैं सेकंड पार्ट लेके आया जिदे विच हुण 20 क्वेश्चन अपने होर डिस्कस होणगे बेटा। तो विटामिन्स की गल करिए बेटा, बिल्कुल ये जिहड़े क्वेश्चन ने बहुत इंपॉर्टेंट ने। हर एग्जाम दे विच बेटा वन और टू क्वेश्चन विटामिन्स दे हुंदे ही हुंदे ने बेटा। तो वीडियो जो मैं जो भी क्वेश्चन लिखवा रहा बेटा बिल्कुल 100% करैक्ट आंसर ने। थोनू बार बार कितने भी वेरीफिकेशन करन दी लोड़ नहीं हैगी, तुसी सीधा अपने नोट्स बनाओ तो अपना रीड करते रहो बेटा बार बार, जिदे नाल थोनू ये क्वेश्चन बहुत चंगी तरीके नाल याद हो जाए। ध्यान नाल सुनो पूरी वीडियो, फुल वीडियो नू वी, तां जो थोनू सारे आंसर प्रॉपर वे नाल बेटा याद हो जाए। ठीक है, चलो आप सैकेंड पार्ट विटामिन दा स्टार्ट करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी वन? तो विटामिन बी वन बेटा ये सिंपल विटामिन बी नू ही कहने आप। मैं थोनू पहला वाली वीडियो में कंफर्म किया, बी जिथे आ जाता टी बी वर्ड याद करो, तो टी फॉर की है थायमाइन, तो है ना विटामिन बी वन बी ओ हों, तो यह थायमाइन दे टिक ला दोगे, तो ए ऑप्शन थायमाइन के उत्ते, बी ऑप्शन थायमाइन के उत्ते टिक ला दोगे। ठीक है बेटा, नैक्सट द विटामिन विच हैल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड कोआगुलेशन? बेटा ब्लड कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड की होंगे बेटा? जो कोई बेटा अपने इंजुरी लगती है ज सट वगैरह लगती है बेटा, तो अपनी बॉडी के ब्लड बाहर न आना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम देख दो एक दो मिनट बाद, तीन चार मिनट आफ्टर सम टाइम बेटा वो ब्लड रुक जाता होंगे, इनू बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यह होंगे बेटा क्योंकि अपनी बॉडी के विटामिन के होंगे, तो विटामिन के करके होंगे बेटा क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लोटिंग के है ना बोलन चाह रहा के क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो विटामिन के का यूज हो जाएगा, तो सी ऑप्शन उत्ते तुसी टिक ला सकते हो। नैक्सट ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ? जे बेटा ये तुसी देख सकते हो टीथ दे विच है ना गम्स दे चे थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो टीथ थोड़े लूज हो रहे ने बेटा, ये जिहड़ी डेफिशेंसी है विटामिन सी दी कमी करके हुंदी है बेटा। ठीक है बेटा, जे तुसी ध्यान ना विटामिन सी दी गल करिए, आपां मैं थोनू पहला कंफर्म किया सीगा, मैनू विटामिन सी दा टैक्निकल नेम दसो, ता की बोलदा है विटामिन सी नू, अपने माइंड विच सोचो है ना। तो विटामिन सी दा की सी? एसकोरबिक एसिड, एसकोरबिक एसिड विच सी आर एसकोरबिक एसिड विटामिन सी का टैक्निकल नेम है। ठीक है बेटा, नैक्सट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज बाय लीवर? यदा मतलब क्या कहना कि इन्होंने कि विटामिन है जोड़ा लीवर अपनी बॉडी दे इनसाइड सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोड्यूस करन दा काम कर रहा है बेटा। तो जरा लीवर है बेटा विटामिन के नू प्रोड्यूस करता है, जिमें कि तुसी देख रहे हो विटामिन के साइकिल कह रहा है ना विच है ना लीवर दे विच कह रहा विटामिन के अपना, तो विटामिन के सिंथेसाइज हुंदा है अपने लीवर दे विच बेटा, तो डी ऑप्शन उत्ते तुसी टिक ला दोगे। नैक्सट वाशिंग ऑफ पील्ड वैजीटेबल्स रिमूव्ड विच विटामिन? पील्ड मतलब जिन्हें छिलके होंगे ने बेटा उन्होंने पील्ड विटामिन कह देने, जिमें आही ने अपने संतरा हो गया, अपना बनाना हो गया है ना, ओरेंज हो गया, जो कहते हैं छिलके जो आप उतार दिए पील इन्हों का छिलक उतार दिए बेटा, तो उस बाद धोन लग जाए वॉश कर लग जाइए, तो ना बेटा वो विटामिन सी जो प्रेजेंट हों खत्म हो जाता हों, दैट्स वाई कदे तुसी बेटा आप भी ओरेंज खाने बेटा कहीं देखा तुमने छिलक उतारन तो बाद भी ओरेंज धो के खाया होवे डियर है ना, तो मतलब वो विटामिन सी है जरा खत्म हो जूगा डियर है ना। कदे तुसी नींबू है बेटा, नींबू कदे आपने कट्टन तो बाद तो आया बेटा कदे भी नहीं धोवे है ना, तो मतलब विटामिन सी खत्म हो जाता हों जे आप वैजीटेबल जीडिया भी पील्ड ने विटामिन सी खत्म हो जाता हों। नैक्सट विटामिन ई इज पार्टिकुलरली इंपोर्टेंट फॉर? पहला ये जान तो पहला मैं विटामिन ई का टैक्निकल नेम दसो, तो देखो ई टी टी मैं वर्ड याद कराया हुआ सीगा ई टी टी है ना, विटामिन ई हो गया टी तो टोकोफेरॉल है ना, बड़ा ईजी टू रिमैबर,
ई टी टी ई विटामिन ई टोकोफेरोल है। तो विटामिन ई की होंगे बेटा, यह ह्यूमन बीइंग दे विच रीप्रोडक्शन की पावर नू फर्टिलिटी परा पावर नू जनरेट करता है, मतलब कि जी अपना नैक्सट जनरेशन प्रोड्यूस करने की पावर होंगी है बेटा, यह इनक्रीज़ कर देता है। जे किसी बेटा ये विटामिन ई की कमी होंगी है बेटा, तो कई बारी विटामिन ई की कमी करके भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब वह अपनी नैक्सट जनरेशन नू प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये मतलब सी ऑप्शन उत्ते तुसीं टिक ला दोगे, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सैक्स ग्लैंड। तो मतलब इन्हां दी कमी हो जाती है सैक्स ग्लैंड के जेडे भी उन्होंने नॉर्मल एक्टिविटीज़ होंदिया ने। ठीक है बेटा, नैक्सट लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, जरा फिश ऑफ फिश लीवर ऑयल होंगे बेटा, ये विटामिन ए होंगे जिमें कि तुसी इमेज देख पा रहे हो, वी फिश लीवर ऑयल विच विटामिन ए होंगे, तो विटामिन ए उत्ते तुसी टिक ला दोगे ए ऑप्शन विटामिन ए। नैक्सट दी विटामिन विच मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, तो मतलब वो केड़ी मतलब बेटा विटामिन है जो आपू हीट दिए तो खत्म हो जाता है, तो विटामिन ओ सी है बेटा, तो विटामिन सी है जरा बेटा, उन्होंने थोड़ा जहा मतलब हीट देन ते ही वो विटामिन सी की वैल्यू क्यों होती है सब्जियों के खत्म हो जाती है। तो विटामिन सी का टेक्निकल नेम की सी बेटा, एसकॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन जी इस बार देखो बी ऑप्शन दिता हुआ एसकॉर्बिक एसिड, मतलब टेक्निकल नेम थोड़ा पता होने चाहिए ने बेटा, भी ता जो तुम इनडायरैक्टली वे ना भी टिक ला सको, तो बी ऑप्शन टिक ला दोगे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बी ऑप्शन। नेक्स्ट द लिंब बोन ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, लिंब बोन मतलब आही बाहां हो गई बेटा, अपने लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, इन्हें जो लिंब बोन ने है ना, तो यह ना बेटा बेंट कर जाने मुड़ जाए ने, ये ओबियस गल बोन वाला डिजीज़ होगा। थोड़ा मैं पहला पिछली वीडियो में कंफर्म किया भी जी भी बोन वाले डिजीज़ होंगे ने बेटा, यह अपने विटामिन डी की कमी करके होंगे ने, बोन वाले डिजीज़ जिमें बेटा आई का डिजीज़ विटामिन ए की कमी करके होंगे, हड्डी का डिजीज़ बेटा विटामिन डी की कमी करके होंगे, तो विटामिन डी। तो मैं एक बार फिर दसो विटामिन डी का टेक्निकल नेम की हैगा, हूँ सी ये ऑप्शन डी तो विटामिन डी उत्ते टिक ला दो, तो विटामिन डी का टेक्निकल नेम अपने माइंड च लैके आओ बेटा, तो डी सी मैं वर्ड याद कराया सीगा, तो विटामिन डी सी तो कैलसीफेरोल है ना, विटामिन डी का कैलसीफेरोल है। नैक्सट द विटामिन विच कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम एनी वैजिटेबल, वो केड़ा विटामिन है बेटा जेड़ा किसी भी वैजिटेबल्स तो नहीं मिलता, तो विटामिन डी, जिमें कि तुसी इमेज देख पा रहे हो विटामिन डी कितने भी कोई बेटा वैजिटेबल अवेलेबल नहीं हैगी, तो दैट्स वाई विटामिन डी किसी भी वैजिटेबल तो आपू अवे प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, तो सी ऑप्शन टिक ला दो विटामिन डी। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ ऑफ, जे बेटा अपने पिछली वीडियो दे विच कंफर्म किया भी जरा स्कर्वी डिजीज़ है विटामिन सी की कमी करके होंगे है ना, तो विटामिन सी की कमी केड़ा डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, जिमें कि तुम इमेज देख पा रहे हो स्किन ऑफ स्कर्वी पेशेंट, तो स्किन डिजीज़ है बेटा यह अपना स्कर्वी, एस फॉर स्किन एस फॉर स्कर्वी डीयर, तो बी ऑप्शन तुम टिक ला दोगे डीयर। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी, तो विटामिन सी देखो गूजबेरी जिन्हों आप आमला कहने एप्पल बनाना पपाया, देखो बेटा ऑप्शन सारे गिवन ने, जो तुम ध्यान देखोगे बेटा अपना है ना, मैं थोड़ा सब तो पता लैमन क्या होया, ओरेंजेस कहे हुए हैं, गावा दे विच भी होंगे, टमाटोज दे विच भी होंगे विटामिन सी, आमला दे विच भी होंगे, तो आमला उरे ऑप्शन दे विच पिया हैगा, तो ए ऑप्शन आमला गूजबेरी, वैसे तो पपाया दे विच भी होंगे बट बेटा थोड़े मोटे ऑप्शन के उत्ते जिमें किसी थोड़ा ज़्यादा होंगे बेटा, तो विटामिन सी आमला दे विच थोड़ा ज़्यादा होंगे पपाया नालों डियर, तो गूजबेरी ए ऑप्शन उत्ते तुसीं टिक ला दोगे बेटा। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय एक्सपोजिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सन रेज, तो बेटा जे आप कही मॉर्निंग लाइट जो सन रेज ने बेटा ये अपने उत्ते पैन बॉडी स्किन बेटा, तो विटामिन डी मिलता होंगे अपन है ना, बहुत बार अपने कंफर्म किया इमेज भी थोड़ा शो किया हुआ बेटा, इमेज ध्यान विटामिन डी उसे सन पाया हुआ, तो सन तो जो रेज आ रही ने विटामिन डी मिलेगा फिर अपनी बॉडी। नैक्सट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? तो बेटा कैराटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, है ना। तो राइबोफ्लेविन देखो विटामिन बी टू है, तो बी टू जरा हैगा यह अपना अपना कॉम्पलैक्स हैगा बी, अपना जरा विटामिन बी कॉम्पलैक्स होंगे ने उन्होंने एक विटामिन हैगा बी टू राइबोफ्लेविन। देखो बेटा बी वन तो हैगा सिंपल बी, जिवें तुसी मैं इन्हों थोनू याद करा देना हूँ बेटा, सिंपल विटामिन बी बी वन होंगे उन्होंने जिन्होंने आप थाइमाइन कहने। विटामिन बी टू बेटा राइबोफ्लेविन होंगे, ठीक है। विटामिन बी थ्री बेटा जे तुसी ध्यान नाल देखोगे नाइसीन, तो देखो बेटा किवें याद रहूगा विटामिन बी थ्री नाइसीन, नाइन नाइन नू कटिंग कौन करता, तीन कटिंग करूगा तो विटामिन बी थ्री, तो नाइसीन नाम विटामिन बी थ्री का। विटामिन बी फाइव पेंटोथैनिक एसिड, देखो बेटा आम तौर पर उसने फाइव नू पेंटा कहने हो ना, तो पेंटोथैनिक एसिड बोलते हैं विटामिन बी फाइव नू। विटामिन बी सिक्स है ना पैरीडॉक्सिन, तो सिक्स नू पैरीडॉक्सिन सिक्स है ना आ रहा ना, सिक्स देखो एक्स आ रहा तो पैरीडॉक्सिन एक्स आ रहा है। तो विटामिन बी सैवन हैगा बायोटीन, विटामिन बी नाइन हैगा फोलेट, इन फॉलिक एसिड भी कहने हैं, बहुत बारी क्वेश्चन में आओ दी फॉलिंग इज फॉलिक एसिड, तो विटामिन बी नाइन होंगे याद रखियो। विटामिन बी ट्वेल्व कोबला माइन आप पहला भी करा, बहुत बारी क्वेश्चन आएंगे अगे, तो बेटा ये सारे बी देखो वन टू थ्री फोर छड़ दो, फाइव सिक्स सैवन एट छड़ दो, नाइन तो ट्वेल्व यह अपने विटामिन ने बी वाले कॉम्पलैक्स बेटा, अठ विटामिन ये ने, ठीक है बेटा याद रखियो। तो एक सी अपना ये वाटर सोलेबल विटामिन है सारे। नैक्सट द विटामिन दैट इज़ मोस्ट रेडली मैनुफैक्चर्ड बॉडीज इज, तो इन बॉडीज जी अपने वो वाला विटामिन जो अपनी बॉडीज बहुत ज़्यादा रेडली मैनुफैक्चर हो रहा, तो विटामिन डी होंगे बेटा। नैक्सट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई का जरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ बेटा, ये जरा गुड सोर्स है थोड़े सामने फ्रैश वैजीटेबल्स पईया ने, तो फ्रैश वैजीटेबल्स विटामिन ई का गुड सोर्स है बिल्कुल बेटा। तो सोलवें का आंसर डी उत्ते तुसी टिक ला दोगे बेटा। नैक्सट नेम द विटामिन नोट फाउंड इन एनी एनीमल फाउंड एनी एनीमल फूड, ना बेटा फूड दे विच ना एनीमल फूड दे ना वैजीटेबल च विटामिन डी नहीं पाया जाता, तो सी ऑप्शन विटामिन डी उत्ते तुसी टिक ला दोगे। विच विटामिन डेफिशेंसी कॉजिज द डिजीज परनीशियस अनीमिया, तो परनीशियस अनीमिया एक अनीमिया की फर्दर टाइप है बेटा। अनीमिया दा विच बेटा आयरन की कमी हो जाती है, परसन अनीमिया डिजीज हो जाता है, तो उरे लिखा पाया स्पैशल देखो परनीशियस अनीमिया, उरे विटामिन बी ट्वेल्व लिखा हुआ है बेटा, तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी करके बेटा परनीशियस अनीमिया डिजीज हो जाता, याद रखियो बेटा। थोनू भी लगता भी फॉलिक एसिड दिना वही फॉलिक एसिड उरे विटामिन बी ट्वेल्व नाल हुंदा परनीशियस अनीमिया, ठीक है बेटा। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करैक्टली मैचड विटामिन ए स्कर्वी, नहीं गलत है, थोनू पता स्कर्वी अपना विटामिन सी नाल हुंदा। विटामिन बी रिकट्स, नहीं गलत है, रिकट्स अपना विटामिन डी नाल एक बोन डिजीज है। विटामिन सी नाइट ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंड अंधराता हुंदा है, विटामिन ए दा हुंदा है बेटा। विटामिन ई रीप्रोडक्शन, मैं थोनू पहला कहा सीगा विटामिन ई है जिहड़ा बेटा अपना फर्टिलिटी हुंदा है, तो रीप्रोडक्शन बिल्कुल ओके है, तो डी ऑप्शन उत्ते तुसी टिक ला दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ऑक्सीडेंट, तो इन्हें कहड़ा एंटी ऑक्सीडेंट है, जिवें थोड़े सामने इमेज पई हैगी, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन सी ते ई ते ए भी विटामिन जिहड़े हुंदे ने एंटी ऑक्सीडेंट हुंदे ने, सी ई ते ए ए विटामिन एंटी ऑक्सीडेंट हुंदे ने, तो उरे विटामिन सी पिया तो सी उत्ते तुसी टिक ला दोगे। थैंक्स यू एवरी वन फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, तो प्लीज़ सबसक्राइब करो चैनल नू, जे तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये वीडियो नू अगे शेयर करो भी, ता जो मैक्सिमम थोड़े फ्रेंड्स लवे डाटा पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।